अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, नई वीडियो के साथ आपके पसंदीदा चैनल के प्लेटफॉर्म से आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। आज की इस वीडियो में मैं आपके साथ एक अहम तरीन लेटर शेयर करने जा रहा हूँ जो कि 6/2/2020 को जारी किया गया था, और इस जो लेटर में इसमें इंफॉर्मेशन जो है वो तलब कर दी गई है। मुख्तलिफ़ किस्म की इंफॉर्मेशन इसमें तलब की गई है, जिसमें कोर्ट केसेस के हवाले से रेगुलरेशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट एम्प्लॉइज़ और इसके साथ साथ जो पीडा एक्ट के तहत जो कार्रवाइयाँ हुई हैं नहीं हुई, और प्रमोशन केस के हवाले से जो है वो इंफॉर्मेशन मांगी गई है। ये डायरेक्टोरेट ऑफ पब्लिक इंस्ट्रक्शन एलिमेंट्री एजुकेशन पंजाब लाहौर की तरफ से 6/2/2020 को तमाम चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर जो पंजाब में, उनको एक लेटर लिखा गया है और कहा गया है कि आप बताएँ कि डिसिप्लिनरी एक्शन 1 से 16 स्केल तक कितने जो है वो मुलाजमीन के हवाले से कितने केस थे, कितने फ़ाइनल हुए हैं और कितने पेंडिंग हैं, और पेंडिंग होने की वजूहत क्या हैं और अभी तक हल यानी कि क्यों नहीं हुए। तो आपको बताता चलूं, ये 7/2/2020 तक उन्होंने डाटा मांगा है। उसके साथ साथ प्रमोशन केसेस के हवाले से 1 से 16 स्केल के हवाले से उन्होंने लिखा है कि कितने प्रमोशन के टोटल केस हैं जो टीचिंग और नॉन टीचिंग दोनों कैडर से ताल्लुक़ रखते हैं, कितने फ़ाइनल हुए हैं और कितने पेंडिंग हैं, और पेंडिंग होने की वजूहत भी साथ में लिखें, और इसके साथ साथ कॉन्ट्रैक्ट एम्प्लॉइज़ जो कि 1 से 16 स्केल तक हैं उनको कितने को कितने टोटल थे टीचिंग और नॉन टीचिंग स्टाफ में, कितने फ़ाइनल हुए हैं, कितने पेंडिंग हैं और पेंडिंग होने की वजूहत भी आप बताएँ। और कोर्ट केसेस के हवाले से बता चलूँ कि नेम ऑफ कोर्ट, कोर्ट के हवाले से जितने भी केसेस हैं वो बताएं, और इस हवाले से कोर्ट ने क्या डायरेक्शन दी हुई है वो बताएं, और इसके साथ साथ कितनी डायरेक्शन पर अमल दरामद हुआ है वो भी बताएं, और कितनी जो डायरेक्शन है उस पर अमल दरामद नहीं किया गया वो भी उनकी तादाद भी बताएं, और फिर उसके साथ वजूहत भी लिखें कि क्यों इस पर अमल दरामद अभी तक नहीं किया गया। 7/2/2020 तक ये तमाम इंफॉर्मेशन मांग ली गई है तमाम चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर से पंजाब से 6/2/2020 को डायरेक्टोरेट ऑफ पब्लिक इंस्ट्रक्शन एलिमेंट्री एजुकेशन पंजाब की तरफ से ये इंफॉर्मेशन हासिल करने के लिए लेटर लिख दिया गया है। और इस हवाले से आपको बताता चलूँ, ये थी ताज़ा तरीन अपडेट। उम्मीद करते हैं आपको ये इंफॉर्मेशन ज़रूर पसंद आएगी। पसंद आने पर फिर इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। अल्लाह हाफिज़।